हेलो गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग अंजलि पुंजा पवन मेडिको गोलू आकृति डॉक्टर क्रेजी आयुषी आचल अचल ओके फाइन एम्स लवर डॉक्टर अभिषेक डांगी प्रियंका हेमा स्माइली राजपूत मैं बढ़िया बेटा बढ़िया बढ़िया यस डॉक्टर पंकज शत शत माना खुश रहिए बेटा यस पीयूष द्विवेदी ए के गेमर पुंजा अली शान प्रिया प्रतिभा अंशिका विष्णु करण अजीत वंदना प्रियंका यूनिक आकृति पीयूष निशा आशीष किशोर मदन अनु राहुल राकेश एम बी बी एस मोटिवेशनल आ जाओ भैया सब लोग बस थक गए मैं तो फिर से थक गई भाई साहब खिचड़ी मूवी देखी है तुम लोगों ने खिचड़ी मूवी है उसमें कैरेक्टर है हंसा नाम है उसका यस राकेश नमस्ते 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 तबियत बढ़िया बेटा अभी बढ़िया उसमें एक कैरेक्टर उसका नाम है हंसा अब वो पूरी मूवी में सिर्फ थकती रहती है तो मैं भी अब वही हो गई हूँ येस डॉक्टर गौरी ऑफिशियल मैं तो फिर से थक गई भाई साहब यस <laughs> yes, प्रयाग विकास अमन मोहम्मद आदिल यस गुड इवनिंग डॉक्टर खुशी आप में से बेटा अगर कोई भी टेलीग्राम जुलॉजी बाय डॉक्टर प्रियंका मिश्रा ग्रुप में है तो प्लीज़ बेटा एक बार वीडियो का लिंक वहां पर शेयर कर दें कि क्लास स्टार्ट हो गई है सर मैं पहली बार तो यहाँ कोई सर नहीं है यार हाउ आर थिंग्स मैम थिंग्स आर ग्रेट खुशी थिंग्स आर ग्रेट यस नमस्कार नमस्कार हीरा गगन जितेंद्र पवन विकास आ जाओ हो गया अटेंडेंस यस सना सम्राट नीट प्रशांत आ जाओ सम्राट तुम तो हो ग्रुप में जल्दी से लिंक शेयर कर दो बेटा बेटाम गुड आयुषी गुड इवनिंग कामना यस नमस्कार एवरीवन वन अकाल शानदार जबरदस्त जिंदाबाद ऐसा हाँ मैं वही हूँ अभी <laughs> यस शुभम हेलो यस वंदना शिवांश अमित डॉक्टर रितु इतनी जल्दी 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 मैसेज करोगे कब मैं पढ़ूंगी कब मैं रिप्लाई करूंगी हाँ जी ये सब दोगला ग्लापन है भाई नाम कैसा रखा नाम ढंग का रखो या प्लीज़ अच्छे बच्चों के नाम भी अच्छे अच्छे होने चाहिए नहीं चलिए हमारा अध्याय चल रहा था बेटा प्राणियों में संरचनात्मक संगठन जो कि आपका कक्षा ग्यारहवीं का सातवां अध्याय है इससे बेटा हम लोगों ने बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था क्या होता है ऊतक थोड़ा सा हमने उसका गुड इवनिंग डॉली हीरा थोड़ा सा बेटा हमने उसका इतिहास देखा था उसके बाद हम लोगों ने बात की थी चार तरीके के आपके जंतु ऊतक हैं उन चारों जंतु ऊतक का बेटा उत्पत्ति किससे हुई है बाह्य चरम मध्य चर्म और उनके कार्य क्या हैं संरचना के आधार पर बेटा ये कई सारे प्रकार के होते हैं गुड इवनिंग तरुण बहुत लेट आया बेटा संरचना के आधार पर ये कई सारे मैम सैटरडे को आप कहाँ थे बेटा इंसान है मशीन नहीं है कभी कभी मशीन भी खराब हो जाती है तो हम तो इंसान हैं है ना पुर्जे ढीले विले हो जाते तो सही करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो बस ये समझ लो उसी प्रक्रिया में हम थोड़े से व्यस्त थे है ना अगर हेल्थ अच्छी रही तो सब कुछ अच्छा रहेगा क्लासेस भी रेगुलर चलेंगी तो इस वजह से बेटा सैटरडे को क्लास हो नहीं पाई थी हाँ कोई दिक्कत तो नहीं अंशिका पूछ रही मैम शार्क टैंक देखी क्या बेटा ये तो नहीं देखती हूँ एच ए आर वन सेवन सिक्स जीरो कह रहे हैं मैम रिप्लाई हेलो तो ठीक है हाय ठीक है नाम लिखा करो यार ये नंबर और ये अल्फाबेट्स नहीं पढ़ पाती हूँ मैं इतनी जल्दी जल्दी यस चलिए अब मैं बेटर हूँ इसलिए मैं क्लास में हूँ है ना एंड आई होप चीज़ें अच्छी रहेंगी तो ऐसे ही रेगुलर अपनी क्लास चलती रहेगी फिर बेटा हम लोगों ने शुरू किया था उपकला उतक संरचना के आधार पर हम प्रत्येक उतक को एक एक करके पढ़ेंगे हेलो माही अच्छा सैदुल नाम है आपका ओके फाइन और हाँ जी हर्ष संरचना के आधार पर बेटा हम प्रत्येक उतक, उतक को डिटेल में पढ़ेंगे उपकला उतक बेटा अभी हमारा चल रहा था उपकला में कामिनी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे उपकला के बारे में हमने जनरल फीचर्स देखे क्या होता है उपकला उतक उसको उपकला क्यों बोलते हैं उसके बाद बेटा उसमें रक्त रक्तवाहिनियां कैसी हैं एक इकलौता अपवाद है जो कि आपके कर्ण में अंत्य कर्ण में पाया जाता है और इकलौता ऐसा उपकला उतक है बेटा जिसमें कि अः रक्तवाहनियां उपस्थित होती हैं इसके अलावा किसी भी उपकला उतक में रक्तवाहिनी नहीं होती फिर मैडम इनको पोषण कहाँ से मिलता है इनको पोषण बेटा इनके नीचे जो संयोजी उतक पाया जाता है उससे मिलता है ठीक है दूसरी बात हमने देखा था लेकिन इनके पास तंत्रिकाएं होती हैं यही कारण है बेटा ये सीधा जो भी आपके सेंसेशन हैं संवेदनाएं हैं उनको बेटा ये ग्रहण करके सीधा कहाँ ले जाती हैं आपके यश तरुण आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि आपके मस्तिष्क और मेरे के पास ठीक है केचुआ फ्रॉग एंड कॉकरोच भी पढ़ेंगे क्या यस yes, करण पढ़ाऊंगी, लेकिन वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी केचुआ मेंढक और कॉकरोच जब मैं बेटा आपको जंतु जगत वाला अध्याय पढ़ाऊंगी तब मैं संग एनलिडा में केचुआ पढ़ा दूंगी संग आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच पढ़ाऊंगी, और संग कॉर्डेटा का जो आपका आ, आ, वर्ग है एम्फीबिया उभैचर उससे बेटा मैं आपको फ्रॉग पढ़ाऊंगी बहुत ही अच्छा आयुषी ठीक है गुड इवनिंग नीतीश उसने बेटा मैं आपको मेंढक पढ़ा दूंगी तो इस तरीके से हम इसको वहाँ कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये ना एंड टाइम पे हम लोग पढ़ते हैं मैं अगर अपना पढ़ाने का क्रम बता दूँ बेटा तो जंतु जगत वाला अध्याय मैं सबसे लास्ट में पढ़ाती हूँ चाहे वो नीट 2022 का बैच हो चाहे 23 का बैच हो चाहे बेटा चौबीस का बैच हो बेटा मैं भूली किसी को नहीं हूँ लेकिन अभी मुझे पढ़ा लेने दो है ना बतियाती रहूँगी तो थोड़ी देर बाद तुम ही बोलोगे मैडम वो पढ़ा भी लो बहुत हो गया ऐप पर क्लास नहीं मिल रही है कोई प्लीज़ आकर के यूट्यूब पे ऐप का लिंक शेयर कर दें ताकि बच्चे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू डॉक्टर सिंटू तो यहां तक अपना हो गया था उपकला उतक क्या होता है वो सामने बात कर ली थी उपकला उतक के प्रकार बेटा हमने देखे थे इतने सारे प्रकार के उपकला उतक होते हैं जिससे बेटा हम लोग पढ़ रहे थे सरल उपकला उतक सरल उपकला उतक में सरल चल की हम पढ़ चुके थे आज की क्लास में बेटा हम संयुक्त उपकला खत्म करेंगे तो उससे पहले हम लोग सरल कर लें तो सरल में बेटा हम लोगों ने नोट्स बना रहे हैं जो बच्चे जल्दी से चालू हो जाए सरल उपकला उत्तक में बेटा हम लोगों ने सरल छलकी पढ़ लिया था आज की क्लास में हम लोग जल्दी से सरल घनाकार और सरल ये दूसरे नंबर का था है ना सरल घनाकार के बारे में हम पढ़ चुके थे बेटा कैसी इनकी कोशिकाएं होती हैं इनमें केंद्र कैसा होता है अचानक से सर आ गए थे उनकी क्लास थी तो हम लोगों को अचानक से ही क्लास बंद करनी पड़ी थी ठीक है अच्छा मैं पहली अनाउंस कर दूं आज की क्लास हम 6:25 पच्चीस पे खत्म कर देंगे रीजन बिंग साढ़े छह बजे मेरी ही दूसरी क्लास है है ना तो मुझे 5 मिनट सांस लेने का समय चाहिए है ना तो अभी बेटा सिंपल के बर्डल का के फीचर्स बताना मैम आ, पवन मैंने सिंपल क्यूबॉइडल यानी कि अपनी सरल घनाकार के जो लक्षण थे जो फीचर्स थे बेटा वो मैंने आपको बता दिए थे फिर भी मैं जल्दी से एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि इसमें कोशिकाएं घन के आकार की होती हैं घन के आकार के होने के साथ साथ बेटा इनमें केंद्र गोल होता है और कोशिका के बिल्कुल केंद्र में होता है ठीक है इसके बाद बेटा हम लोगों ने बात की थी इसका कार्य क्या होता है तरुण साढ़े पर मेरी पेड क्लास है ना चलिए तो इसके बाद बेटा हम लोगों ने बात की थी कि इसका कार्य क्या होता है तो बेटा इसका कार्य जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं सरल घनाकार उपकला का जो कार्य होता है सबसे पहला हो गया बेटा श्रावण यानी कि कुछ ना कुछ ये सिक्रीशन करते हैं श्रावित करते हैं बना करके दूसरा हो गया बेटा आपका अवशोषण ठीक है एनसीईआरटी में केवल यही दो कार्य दिए हुए हैं श्रावण और अवशोषण एंड तीसरा कार्य बेटा इसका उत्सर्जन भी होता है यानी कि एक्सक्रीशन भी होता है यस yes. आगे बेटा अब ये पाए कहाँ जाते हैं तो जरा हम इसकी स्थिति देख लेते हैं कि कहाँ-कहाँ ये शरीर में पाए जाते हैं तो ये सबसे पहले बेटा ये पाए जाते हैं आपके थारॉइड पुटिकाओं में थारॉइड ग्रंथि होती है बेटा थाइरोइड ग्रंथी के अंदर छोटी छोटी पुटिकाएं पाई जाती है उन पुटिकाओं में बेटा ये सरल घनाकार उपकला तक पाया जाता है और यह बेटा हार्मोन का श्रावण कर करके यहां बीच में जो रिक्त स्थान है इसमें संग्रहित करता है ठीक है ये हो गया एक दूसरा ये कहा पाया जाता है तो ये बेटा आपके अग्नाशय में जो एसिनार कोशिकाएं होती हैं एसिनार कोशिकाएं अब मैडम ये एसिनार कोशिकाएं क्या करती हैं ये बेटा आपके पाचन रस का श्रावन करती हैं क्या करती हैं हैं ये पाचन रस बनाती जो रस बनाती जो होता है ना ये उसको निर्माण करके उसका स्रावन करती हैं ठीक है आगे बेटा तीसरी अगर हम इसकी स्थिति देखें तो आपके वृक्काणु जो होते हैं बेटा जो आपके नेफ्रॉन होते हैं याद करिए हमने वृक्काणु के बोमेन संपुट में कौन सी कोशिका पड़ी थी कोई मुझे बताएगा वृक्काणु के बोमेन संपुट में कौन सी कोशिका थी या कौन सी उपकला थी वहां पर बेटा छन रहा था रक्त छन रहा था जिससे मूत्र बनता है है ना तो क्योंकि बेटा वहां पे निस्यंदन हो रहा था तो वहां पे थी आपकी सरल शल्की उपकला जो भी बेटा वृक्काणु का नलिकीय भाग होता है अब नलकीय भाग क्या होता है बेटा ये आपका वृक्षाणु है ये बोमेन संपुट हो गया ये आपका पीसीटी हो गया ये बेटा आपका हेनले पाश हो गया जिसको हम लूप ऑफ एनले बोलते हैं यहाँ से ये आपका डीसीटी हो गया ठीक है इस तरीके की कुछ संरचना होती है बेटा आपके वृक्षाणु की है ना तो आपके वृक्षाणु का बेटा यस सौम्या मैं अभी साढ़े पांच आई हूं वृक्काणु का बेटा जो नलिकीय भाग होता है यानी कि ये यहाँ पर आपकी ये सरल घनाकार उपकला रूपकला पाई जाती है ठीक है ये आपके पीसीटी में समीपस्थ कुंडलित नलिका में आपके दूरस्थ कुंडलित नलिका में हैनले पाश में भी बेटा कहीं ना कहीं यही पाई जाती है थोड़ी सी चपटी होती है है ना यहाँ पे पूरे में बेटा यही पाई जाती है आगे बेटा यस ग्लोमेरुलस नहीं आकृति ग्लोमेरुलस जो होता है वो क्या है वो तो केशिकाओं का गुच्छ है है ना केशिकाओं का गुच्छ है केशिकाएं किससे बनी है बेटा जो आपकी वाहिनियां हैं उसमें आपकी धमनी की कई सारी शाखाएं हो जाती हैं उनको हम केशिकाएं बोलते हैं ना तो यहाँ पर बेटा वो जो केशिकाओं का गुच्छा है केशिकाओं का समूह उसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं और क्योंकि बेटा वो रक्तवाहिनी की शाखा है तो रक्तवाहिनी की शाखा होने के कारण बेटा उसमें क्या होता है रक्तवाहिनी की शाखा होने के कारण उसमें सरल शल की उपकला होता है क्यों क्योंकि वहां पे बेटा विसरण होता है ग्लैंड में नहीं होती है निकिता चलिए तो वृक्काणु के नलिका भाग में बेटा ये मैं लिख देती हूँ पीसीटी डीसीटी, टी हेनले पास ठीक है नहीं अभी समझ में आए तो कोई बात नहीं जब हम मानव कार्य की पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा ठीक है चलिए वंदना आगे बढ़े ये हो गया बेटा आपका सरल घनाकार उपकला अब बेटा यहाँ पे एक आपको ना मुझे रूपांतरण बताना है सरल घनाकार उपकला में बेटा एक मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है एक रूपांतरण देखने को मिलता है और इस रूपांतरण के अनुसार जो आपकी वृक्कानू की नलिका भाग है यानी कि वृक्कानू के जो पीसीटी डीसीटी भाग है बेटा इन भागों में ये ये जैसे सपोज आपका नलिका भाग है समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिका का मैंने एक छोटा सा अह यहां पे काट लिया है यहाँ पर बेटा आपकी जो ये कोशिकाएं होती हैं आप देख सकते हैं मैं कैसी बना रही हूं मैं इनका जो ऊपरी सतह है वहां पे सूक्ष्मांकुर बना रही हूँ क्या बना रही हूँ बेटा मैं यहाँ पे सूक्ष्मांकुर बना रही हूँ और क्योंकि बेटा मैं यहाँ पे सूक्ष्मांकुर बना रही हूँ तो सूक्ष्मांकुर का काम क्या होता है बेटा सूक्ष्मांकुर का काम होता है अवशोषण के लिए सतह बढ़ा देते हैं हाँ या नहीं ये अवशोषण के लिए क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं समझ में आया या नहीं yes no? तो आपके के नलिका भाग में बेटा ये जो ब्लू लाइन डिस्टर्ब कर रही है बेटा आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं ब्लू लाइन हटा दी जाए थोड़ी देर के लिए इस तरीके से बेटा आपकी कोशिकाएं होती है नलिका भाग में यहाँ पे बेटा मुक्त सतह पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं और ये सूक्ष्मांकुर अवशोषण के लिए क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं ये हम पहले ही हटा आ, बात कर चुके हैं यस पवन आपकी बात बेटा बिल्कुल सुनी जाएगी हाँ आपका ये ब्लू लाइन को हटा दिया गया है हटा दिया गया है ना ब्लू लाइन ब्लू लाइन ठीक है यस यहाँ तक क्लियर है चलिए अब बेटा बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे वैसे क्या दिख रहा है ब्लू लाइन में में पीसीटी, डीसीटी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा और आगे हम बात करते हैं सरल घनाकार उपकला के बाद सरल स्तंभाकार उपकला हम किसकी बात करेंगे बेटा हम बात करेंगे तीसरी सरल स्तंभाकार उपकला सिंपल स्तंभा कला ठीक है इसको हम बोलेंगे सिंपल अब मैं नाम सबके इंग्लिश में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ है ना हाँ ये उंगली समान होते हैं बिल्कुल सही है तो सरल यानी कि सिंपल कॉलिमनार एपिथेलियल टिश्यू नाम ही है बेटा स्तंभाकार तो ये लंबी कोशिकाएं होती हैं ठीक है ये देखो लंबी और पतली कोशिकाएं हैं देख के ही आपको पता लग रहा है यस मैडम अब दूसरी बेटा ये नीचे आधारी झिल्ली हो गई तीसरा बेटा इनमें जो केंद्रक होता है वो भी हल्का सा लंबा और आधारी झिल्ली के समीप होता है आधारी झिल्ली के पास होता है अभी तक बेटा हमने दोनों में जो केंद्रक देखे थे वो गोल देखे थे शलकी में चपटे भी थे पर दोनों के दोनों बेटा केंद्रक जो थे वो आपके केंद्र में थे कोशिका के है ना सरल स्तंभा में हमने क्या देखा जो कोशिकाएं हैं लंबी एवं पतली कोशिकाएं कैसी हैं बेटा कोशिकाएं आपको लंबी और पतली दिख रही हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बेटा आपको इनमें केंद्रक कैसा दिख रहा है केंद्रक भी इनमें गोल नहीं है केंद्रक भी हल्का लंबा और आधारी झिल्ली के समीप केंद्र में नहीं है ठीक है बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास आधारी झिल्ली के समीप अब मैडम इनका क्या काम होता है तो बेटा इनका काम भी सेम जो आपके घनाकार का था इनका काम भी बेटा आपका श्रावण एवं अवशोषण सिक्रिशन एंड एब्जॉर्प्शन ठीक है चलिए अब ये कहाँ पर पाई जाती हैं? इनकी जरा हम स्थिति देख लेते हैं कि ये पाई कहाँ पर जाती हैं? तो सब तो सबसे पहले बेटा आपकी पूरी आहार नाल में ठीक है? आपकी आहार नाल में बेटा यही सरल स्तंभाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है पांच घंटा क्लास चल सकता है ओनली नीट बेटा चलने को तो क्लास आठ घंटे भी चल सकता है नॉट अ बिग डील हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे तो हम लोगों के लिए पांच घंटे आठ घंटे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है है ना और जैसा कि आपको पता है मैंने आपको बताया मैं नीट पीजी की भी क्लासेस लेती हूँ तो आपकी तो बेटा डेली क्लासेस होती है एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की जो नीट पीजी की क्लासेस होती है ना आफ्टर एमबीबीएस जो लोग पीजी की तैयारी करते हैं उनकी बेटा हफ्ते में सिर्फ दो दिन क्लास होती है सैटरडे और संडे क्योंकि बाकी दिन या तो वो अपना कॉलेज अटेंड कर रहे होते हैं डॉक्टर बन चुके होते हैं तो या फिर वो अपना हॉस्पिटल अटेंड कर रहे होते हैं तो सैटरडे और संडे बेटा उनकी आठ आठ नौ नौ घंटे की ही क्लास होती है लगातार आठ घंटे की क्लास ठीक है तो मुझे वो भी लेने की आदत है अब इस आठ घंटे की क्लास में हम बेटा उनको तीन ब्रेक देते हैं दो दस दस मिनट के एक बीस मिनट का ताकि उन्हें भी सांस मिले और हमें भी है ना चलिए तो पहला तो बेटा ये आपकी पूरी की पूरी आहार नाल में पाई जाती है यही बेटा आहार नाल के अंदर चाहे आपके आमाशय में हो चाहे बेटा आपके छोटी में में हो बेटा यही आहार नाल में थोड़ा सा रूपांतरित रूप में पाई जाती हैं और रूपांतरित रूप में बेटा ये अवशोषण का काम करती हैं या फिर श्रावण का आहार नाल में श्रावन किसका होता है बेटा आपके आमाशय में जठर रस का श्रावण होता है आपकी आंत में आती रस का श्रावण होता है ठीक है आपकी आंत में बेटा अवशोषण भी तो होता है किसका अवशोषण होता है जो खाना पूरी तरीके से पचाया जा चुका है छोटी आंत में बेटा उसका अवशोषण होता है ठीक है तो आहार नाल में बेटा ये पाई जाती है और आहार नाल में आपको यहाँ पर जो रूपांतरण देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके का ये देखो ये मैंने क्या बना दिया ऊपर इसकी मुक्त सतह पर ये क्या बन गए हैं बेटा मुक्त सतह पर ये सूक्ष्मांकुर बन गए हैं और सूक्ष्मांकुर बन गए तो ये क्या करेंगे ये अवशोषण के लिए क्षेत्रफल बढ़ाएंगे हाँ या नहीं यस स्टडी बाबा बेबी कुशवा ठीक है तो ये अवशोषण के लिए क्षेत्रफल बढ़ाएंगे ये चैप्टर पाचन अवशोषण वाले चैप्टर के समान है मैम ऐसा हाँ काफी कुछ इसमें हम उसका पढ़ लेंगे बेटा यस yes, सूक्ष्मांकुर बिल्कुल सही है डॉली दूसरा बेटा हम इसकी स्थिति देखें अगर तो ये आपके नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है मैंने हमेशा बोला है कि जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं साथ साथ बता दूंगी जो मैं दूसरी स्थिति बनाने जा, बताने जा रही हूँ बेटा नीट 2019 में ये प्रश्न आया है सीधा आपकी एनसीईआरटी से आपकी बेटा सरल स्तंभाकार कोशिकाएं जिनमें रूपांतरण की अगर हम बात करें तो मुक्त सतह पर क्या पाए जाते हैं ये सीलिया पाए जाते हैं इनको हम क्या बोलते हैं पक्षमाभ क्या बोले जाते हैं क्या बोलते हैं बेटा इनको हम पक्षमाभ यानी कि सीलिया तो पक्षमाभी सरल स्तंभाकार उपकला बेटा कहाँ पाई जाती है हथियार लेके आऊ क्या निकिता हथियार हम साथ में करेंगे हथियार मतलब एनसीआर हम एन भी पढ़ेंगे लास्ट में बिल्कुल चिंता मत करो तुम्हें पता है अगर किसी ने मेरी इंग्लिश मीडियम की क्लासेस अटेंड की हैं तो उन्हें पता है कि मैं एन नहीं छोड़ती हूँ एन इज लाइक तो में वो माता पिता तो मेव. है ना तो पक्षमा भी सरल स्तंभाकार पाई जाती है बेटा एक तो अंडवाहिनी में जिसको हम फेलोपियन नलिका भी बोलते हैं यहाँ पर बेटा ये अंडाणु की गति करवाती है ये बेटा पाई जाती है आपके श्वास नल में ये आपके नीट 2019 में आ चुका प्रश्न है तो दिस इज इंपॉर्टेंट हाँ या हाँ या नहीं अब बेटा मैंने क्या कहा कि ये किसी भी वस्तु को गति प्रदान करती है ठीक है अब गति में भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये बेटा किसी भी वस्तु को एक विशिष्ट दिशा में गति प्रदान करती है ऐसा नहीं है कि इस बार पक्ष कह रहे हैं अच्छा कि इस बार जो अंडाणु निकला है वो अंडाशय से निकला तो अंडाशय से अंडाणु को आगे भेज दो कहा अंडाणु को आगे भेज रही है अगली बार इसका अगले दिन मन क्या नहीं, नहीं आगे नहीं इसको वापस पीछे भेज दो तो ऐसा नहीं होता है कि किसी भी गति, गति दिशा में गति कराए नहीं इनकी बेटा जो पक्षमा भी सरल स्तंभाकार जो आपकी उपकला कोशिकाएं हैं या है, उपकलाऊतक है बेटा इसमें हाँ भैया लाइव चल रहा है इसमें बेटा ये जो पक्षमाप है ये किसी भी वस्तु की गति एक विशिष्ट दिशा में करवाते हैं और वो दिशा फिक्स है विशिष्ट मतलब फिक्स है कि अगर इसको आगे से पीछे ले जाना है तो आगे से पीछे ही ले जाना है अगर इसको पीछे से आगे ले जाना तो पीछे से आगे ही ले जाना है ये नहीं कि कभी आगे से पीछे कभी पीछे से आगे नहीं ऐसा नहीं है इनकी गति की जो दिशा है वो बिल्कुल विशिष्ट है ठीक है अब बेटा हम सरल में बिल्कुल आखिरी वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं और ये इंपॉर्टेंट है और ये है आपका आभासी स्तरित उपकला या बेटा इसको हम कूट स्तरित उपकला भी बोलते हैं कूट स्तरित उपकला ठीक है इंग्लिश हम इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड अब इसको बेटा जरा ध्यान से सुनना ये बहुत कंफ्यूजिंग सा लग सकता है आपको पर है सिंपल अच्छा मैंने कहा यह भी सरल का एक प्रकार है सरल का प्रकार है मतलब सारी की सारी कोशिकाएं एक ही स्तर में व्यवस्थित है बिल्कुल सही बात है लेकिन बेटा इसमें जो कोशिकाएं हैं वो स्तंभाकार हैं ठीक है थीके? इसकी कोशिकाएं कैसी हैं बेटा इसकी कोशिकाएं स्तंभाकार हैं लेकिन स्तंभाकार में जो कोशिकाओं का आकृति है कोशिकाओं का जो आकार है वो बेटा अलग अलग है कुछ इस तरीके से हं? सारी की सारी स्तंभाकारी दिख रही है ना लेकिन कोई लंबी स्तंभाकार है कोई छोटी स्तंभाकार है समझ में आ रहा है हाँ सारी की सारी बेटा यहाँ पे स्तंभाकार कोशिकाएं सारी लंबी और पतली कोशिकाएं लेकिन क्योंकि बेटा कोई छोटी स्तंभाकार है कोई लंबी है फिर बहुत सारी छोटी फिर कुछ लंबी फिर और लंबी फिर बहुत सारी छोटी फिर बहुत लंबी फिर, फिर छोटी फिर छोटी फिर एकदम छोटी फिर लंबी फिर छोटी फिर लंबी फिर बहुत सारी छोटी फिर लंबी है ना तो यहां पर बेटा दुर्गेश मैं अच्छी हूं पढ़ाई करते हैं यहाँ पर बेटा सारी की सारी है तो स्तंभाकार लेकिन स्तंभाकार में अलग अलग आकृति की होने के कारण जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं जब हम सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो बेटा सूक्ष्मदर्शी में हमें ये केंद्रक दिखाई देते हैं बहुत डार्क ठीक है अगर आप लोगों ने स्कूल में प्रैक्टिकल कभी हुआ होगा तो वहां पे सूक्ष्मदर्शी देखे होंगे है ना तो सूक्ष्मदर्शी में बेटा आप लोगों ने वो प्याज के अंदर जो वो छिलका एकदम पॉलिथिन जैसा निकलता है उसके अंदर अगर हो सकता है आप लोगों ने कोशिकाएं देखी हो तो वो कोशिकाओं में आपको केंद्रक तो बहुत डार्क दिखता है पिंक कलर का क्योंकि हम आ, स्टेनिंग करते हैं उसकी है ना लेकिन आपको बाकी सारी जो कोशिकांग होते हैं जो कोशिका भित्ति है वो सब बेटा आपको बहुत क्लियर नहीं दिखते लेकिन केंद्रक क्योंकि बीचों बीच है थोड़ा घन उसका घनत्व ज्यादा होता है इसलिए बेटा वो ज्यादा स्टेनिंग लेता है और वो डार्क कलर का दूर से दिखाई देता है तो जब बेटा हम सूक्ष्म दर्शी में ये आभासी स्तंभाकार या ये वाला आ, उपकला देखते हैं तो हमें इसमें मेनली केंद्रक दिखाई देते हैं और जब बेटा केंद्रक दिखाई देता तो वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं ये ये फिर ये फिर ये फिर छोटे छोटे फिर थोड़े लंबे फिर छोटे फिर लंबे तो बेटा हमें कुछ इस तरीके का आभास होता है कि हो सकता है यहाँ पे कोशिकाएं दो या तीन स्तर में व्यवस्थित हैं। ठीक है मैंने क्या बोला आभासी स्तरित हमें आभास होता है कि ये स्तरित हैं, लेकिन वास्तव में बेटा ये स्तरित नहीं होती हैं समझ में आया यस और नो मी थम्स अप समझ में आया कि नहीं आभासी स्तरित उपकला में क्या होता है आभासी स्तरित में सारी की सारी कोशिकाओं की आकृति कैसी है लंबी एवं पतली यानी सारी की सारी स्तंभाकार कोशिकाएं हैं, कॉलमनार स्तंभाकार कोशिकाएं हैं, लेकिन इनकी आकृति भिन्न है कोई छोटी स्तंभाकार है कोई लंबी स्तंभाकार है जिसकी वजह से बेटा केंद्रक भिन्न स्थिति पर व्यवस्थित है दिखते हैं है ना और अलग अलग स्थिति पर केंद्रक के दिखने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये स्तरित है इसमें ए, दो या दो से ज्यादा स्तर हैं, पर वास्तव में वो एक स्तरीय है ठीक है इसलिए हम बोलते हैं कि ये आभासी यह ये हमें आभास देती है स्तरित होने का है नहीं ये ठीक है झूठ झूठ बोलती है अब बेटा इसकी स्थिति क्या है ये कहाँ पाई जाती है तो ये भी आपकी बेटा श्वास नलिकाओं में पाई जाती है इसमें श्वास नलिकाओं में पाई जाती है इसके बारे में एनसीईआरटी में जिक्र नहीं किया हुआ है तो हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे आ जाओ बेटा जरा संयुक्त उपकला पर जो हमें आज पढ़ना था यानी कि कंपाउंड एपिथीलियम इसको हम बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियम अब ये जो बेटा आपकी संयुक्त उपकला है इस संयुक्त उपकला में दो तरीके की उपकलाएं होती है हैं एक हो गई बेटा आपकी संक्रमित उपकला इसके बारे में हमने उस दिन भी चर्चा की थी आपके मूत्राशय में पाई जाती है जिसको हमने बोला था ट्रांजिशनल एपिथीलियम और दूसरी बेटा इसमें थी स्तरित उपकला जिसको हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। अब इन दोनों में होता क्या है तो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा मैंने कहा संयुक्त तो एक चीज तो क्लियर है मुझे मिली नहीं एनसीईआरटी में है ही नहीं <laughs> मैं तो थोड़ा डिटेल पढ़ा रही ना और मैं बताती जाऊंगी कि मैं कहा एनसीईआरटी से बाहर पढ़ा रही हूँ क्यों पढ़ा रही हूँ समझ में तो आना चाहिए ना बेशक और मैं ये भी बता दूंगी लास्ट में आपको कितना पढ़ना है चलिए तो बेटा पहले हमने बोल दिया संयुक्त उपकला संयुक्त मतलब कंपाउंड मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा स्तर है लेकिन यहां पर बेटा काम की चीज ये है कि संक्रमित उपकला में यह तो हो गई सबसे निचली परत यह हो गई बेटा बीच की परतें जब मैं पढ़ाती हूं ना तो मेरे अंदर का कलाकार जाग जाता है फिर मुझे चित्र बनाने का बहुत मन करता है और बेटा मैं किताब से चित्र इसलिए भी नहीं लाती कि किताब से चित्र लाऊंगी तो तुम लोगों को वही छापना पड़ेगा मैं चित्रों को समझाने में ज्यादा थोड़ा भरोसा रखती हूँ समझ के पढ़ोगे तो सीधी बात है जल्दी याद होगा रटोगे तो अब तक भी रटी रहे हो कितना याद है तुम्हें भी पता है तो बायो को सिर्फ रटा नहीं जाता बायो को समझा जाता है समझ के रट लो जिंदगी भर याद रहेगा सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए रटोगे एग्जाम तक भी याद नहीं रहेगा और एग्जाम के बाद तो भूल ही जाना कि कुछ भी याद है ये इसमें बेटा एक चीज बहुत क्लियर जो शायद आपको यहाँ से दिख रही होगी कुछ ऐसा है जो मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है कुछ भी ऐसा मैं यहाँ पे दूसरा बनाती हूँ इस तरह तुपकला फिर शायद आपको डिफरेंस समझ में आए तब तक अगर आप लोगों ने चित्र को अच्छे से देख लिया है तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या गायब दिख रहे हैं आगे आंसर पलटू में वो होता है ना बचपन में खेलते छुपन छुपाई मैंने एक से दस तक गिन लिया अब मैं आ रहा हूँ यस बेसमेंट मेम्ब्रेन बिल्कुल सही है ठीक है यस निकिता बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं दिख रहा उपकला उतक केंद्रक सब तो है बेटा न्यूक्लियस तो बनाया मैंने ये डॉट 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 न्यूक्लियस ही बनाए हैं यहाँ पर बेटा जो आपको नहीं दिख रहा है वो है आधारी झिल्ली यहाँ पर आधारी झिल्ली अनुपस्थित है बिल्कुल सही निकिता सोलंकी यहाँ पर संक्रमित उपकला में आपको आधारी झिल्ली नहीं दिख रही है ठीक है जबकि राइट मुकुल नीचे की लाइन, ठीक है आगे बेटा जो आपकी स्तरित उपकला यहाँ पे मैंने पहले आधारी झिल्ली बनाई फिर मैंने एक कोशिका की परत बनाई इसके बाद बेटा मैं और कोशिकाओं की परतें बनाऊंगी ये लो अब जितने भी प्रकार की बेटा आपकी स्तरित उपकला होती है मैं सारे प्रकार इस एक चित्र में दिखाऊंगी तो चित्र को ज़रा गौर करके देखें कमेंट सेक्शन को बंद कर दें स्क्रीन को फुल कर लें और अपने ज्ञान चक्षु खोल लें आगे बढ़ते हैं बेटा अब हम देखते हैं सबसे ऊपरी परत ठीक है गौर फरमाइएगा जनाब यहां पर बेटा मैं बिल्कुल चपटी कोशिकाएं बना रही हूं ठीक है ये बेटा मैंने बनाई बिल्कुल चपटी कोशिका ठीक है आगे बेटा इसको मैं यहां क्रॉस कर रही हूं ये मैंने बना दी एक चपटी कोशिकाओं वाला अगला बेटा मैं बना रही हूं यहां पे आप देखेंगे मैंने बनाई घनाकार कोशिकाएं इसको मैंने यहां से काट दिया और तीसरी बेटा मैं बना रही हूं स्तंभाकार कोशिकाएं अब इतना डिटेल आपकी एनसीआरटी में नहीं है ठीक है हाँ आई थिंक यू आर्टिस्ट ऑफ बायो हाँ बेटा पढ़ा पढ़ा के ना ये अंदर की कलाकार जाग चुकी है अब है ना अब देखना बेटा ये है संक्रमित उपकला इसको फिलहाल छोड़ते हैं हम इस पर बात करते हैं स्तरित उपकला ठीक है ये जो बेटा आपकी स्तरित उपकला है स्तरित मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा परतें उपस्थित हैं कोशिकाओं की तो पहली बेटा परत देखिए जो पहली परत है ये या तो घनाकार कोशिकाओं की हो सकती है या बेटा ये स्तंभाकार कोशिकाओं की हो सकती है यहाँ पर मैंने जो दिखाया है ये स्तंभाकार कोशिकाएं दिखाई है ठीक है।, है अगली बेटा जो दो से तीन पढ़ते हैं ये आपकी बहुभुजीय कोशिकाएं हैं बहुभुजीय कोशिकाएं मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनमें कई सारी भुजाएं हैं तो यहाँ देख लो मैंने एक दो तीन चार पांच छः ऐसी बना दी ठीक है इसके ऊपर बेटा जो सबसे ऊपरी वाली परत है बेटा ये कोशिकाएं इनका क्या आकार है इस पर निर्भर करता है कि आप स्तरित में कौन सी प्रकार की कोशिका पढ़ रहे हैं ठीक है यहां पर बेटा मैंने देखा एकदम चपटी कोशिकाएं मतलब ये कैसी है स्तरित शल की उपकला यहां पर बेटा कैसी दिख रही है घन आकार की तो ये कैसी है बेटा स्तरित घनाकार कोशिकाएं एन के बीजे बेटर यू लीव द क्लास बिकॉज आई एल नॉट टीच इन इंग्लिश इन दिस क्लास दिस इज अ प्योर हिंदी मीडियम क्लास एंड आई होप यू शुड बी क्लियर विद दिस अगर इंग्लिश मीडियम की इफ यू वॉन्ट इंग्लिश क्लासेस एट ट्वेल्व थर्टी पी एम ऑन डाउट है साढ़े पांच बजे हिंदी माध्यम की क्लास होती है आपको अगर अंग्रेजी माध्यम की पढ़नी तो आप साढ़े बारह आइए प्लीज क्लास में आकर के ये कमेंट ना करें ठीक है तो यहां पर बेटा घनाकार कोशिका दिख रही है तो ये हो गई आपकी स्तरित घनाकार उपकला यहां पर आपको लंबी लंबी कोशिकाएं दिख रही हैं और बहुत सारी आ, क्या है स्तर भी हैं बहुत सारी कोशिकाओं के स्तर हैं तो यहां पर इसको बेटा हम बोलेंगे स्तरित स्तंभाकार ठीक है समझ में आया या नहीं आया स्तरित की स्तरित घनाकार स्तरित स्तंभाकार तीनों क्लियर है अब बेटा यहां पर एक छोटी सी चीज मैं और डिस्कस करूंगी और वो है याद करो हम लोगों ने किरेटिन पढ़ा था याद आ रहा है कुछ कुछ है ट्रेस में शैम्पू किरेटेन युक्त है लॉरियल किरेटेन युक्त है ना तो ये जो मैंने उसने बताया था है ना जो किरेटन युक्त शैम्पू आते हैं सो so कॉल्ड जिनमें नाम का भी किरेटेन नहीं होता है सिर्फ फुसलाने की बातें हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए है ना तो यहाँ पर बेटा ये मैंने एक परत बना दी किरेटन की ठीक है अब मैं इसको वापस से डिवाइड कर देती हूँ यू अब आप सरल शल्की में दो तरीके की कोशिकाएं देखेंगे सॉरी uh, uh, स्तरित शलकी उपकला में दो तरीके की कोशिकाएं देखेंगे पहली स्तरित शल्की किरेटिन विहीन इसमें किरेटिन नहीं है स्तरित शलकी किरेटिन युक्त स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन किरेटेनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस किरेटेनाइज समझ में आया क्लियर है सभी को अब आ जाओ बेटा जरा इस ट्रांजिशनल पे यानी कि आपके संक्रमित उपकला पर आपकी एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं दिया है आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि जो संयुक्त उपकला है ये ऐसी उपकला उत्तक है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कोशिकाओं की परतें पाई जाती हैं और इसका अगर मैं कार्य बोलूं संयुक्त उपकला का बेटा कार्य होता है प्रोटेक्शन यानी कि ये सुरक्षा प्रदान करते हैं क्या करते हैं बेटा ये सुरक्षा प्रदान करने का इसका काम है सबको पता है हाँ आर में इतना दिया है एनो तरुण सबको पता है स्किन सुरक्षा प्रदान करती है स्किन से तो कोई भी बैक्टीरिया या वायरस अंदर नहीं जा सकता ठीक है स्किन एक तरीके का रोधक है यस हेयर पे और नेल्स में राइट रुचि स्किन एक तरीके का त्वचा एक तरीके का रोधक है बैरियर है इसके थ्रू कोई भी जीवाणु कोई भी विषाणु बेटा पार नहीं हो सकता सीधा आपके शरीर में है ना तो जितने भी बेटा आपके स्तरित उपकला संयुक्त उपकला जहां कहीं भी पाई जाएगी उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है सुरक्षा प्रदान करना ठीक है अब इस पर हम बात बाद में करेंगे हम बात करते हैं संक्रमित उपकला पर याद करिए जब बेटा मैंने आपको संक्रमित उपकला के बारे में पहले बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका मूत्राशय है ठीक है मूत्राशय में बेटा जब हम ब्लैडर खाली कर चुके होते हैं मूत्राशय खाली कर चुके होते हैं मूत्राशय बेटा हम कब खाली करते हैं जब हम वॉशरूम होकर right? के आते हैं राइट जैसे ही हम वॉशरूम होकर के आते हैं ब्लैडर खाली ठीक है हल्का हल्का लगता है फिर खूब सारा पानी पी लिया खूब सारा पानी पी लिया और पानी पीने के बाद फीलिंग आती है दोबारा वॉशरूम भागना है।, है ना और जब दोबारा वॉशरूम भागने की फीलिंग आती है मतलब ब्लैडर में कुछ तो मूत्र पहुंच गया है ब्लैडर में मूत्र पहुंच गया है और हम लोग बेटा नहीं जा रहे हम वहीं पे होल्ड करके बैठे हैं सर्दियों की सुबह याद करो सुबह चार बजे आप लोगों को बहुत जोर से आई है सुबह चार बजे ठीक है आँख खुली मोबाइल अलार्म घड़ी जो भी आसपास है सबसे पहले देखा अरे यार चार बजे एक घंटे बाद वैसे ही अलार्म बजना है मैं एक घंटे और कंट्रोल कर लेता हूँ एक घंटे और सो लेता हूँ क्योंकि चार बजे उठूंगा मैं वॉशरूम जाऊंगा ठंड लगेगी फिर मैं आऊंगा फिर मुझे वापस से ठंड से गर्म होने में पंद्रह मिनट लग जाएगा मेरे पास सिर्फ पौन घंटा बचेगा तो उससे अच्छा है कि सो जाते हैं एक घंटे और कंट्रोल कर लेते हैं एक घंटे बाद भागनेंगे वैसे ही उठना ही है है ना तो वो जो एक घंटा होता है बेटा जब आप एक घंटे बाद उठते हो तो आपको ब्लैडर ऐसा फूला फूला लगता है हाँ या नहीं ये मैंने कोई बहुत ऐसे बिरले सी बात नहीं बताई कि एलियंस के साथ ऐसा होता है भैया हर इंसान के साथ ऐसा होता है हाँ या नहीं होता है ना तो ये जो बेटा मूत्राशय फूल जाता है अधिक मात्रा में मूत्र आने की वजह से बेटा वो इसलिए फूल जाता है क्योंकि वहां पे संक्रमित उपकला पाई जाती है ठीक है संक्रमित ट्रांजिशनल ट्रांजिशनल मतलब जो ट्रांजिट कर सकता है ट्रांजिट मतलब जो बदल सकता है क्या बदल रहा है ये बेटा अपना आयतन बदल रहा है ठीक है पहले ये छोटा था जहां पर भी ये पाया जा रहा था वो अंग पहले छोटा सा था फिर बेटा उसमें खूब सारा खूब सारा भैया प्रिया पांडे लिख रही है मैडम यस सर या तो तुम सर लिख लो या तुम यस ही लिख लो है फिर मेरे को ना ऐसे ऐसा लगता है मैं ऐसे जटाएं फैला करके आऊं ताकि बच्चों को दूर से देखें मैडम ही है सर नहीं है गलती से भी हम सर ना लिखे है, है ना प्रिया समझ में आया ठीक है चलिए होता है ना हाँ कामना वामना सब मान रहे हैं यस मैडम क्योंकि हम कोई दूसरी दुनिया से थोड़ा ना आए हैं ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपने एक्सपीरियंस किया है सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है ना सर्दियों की रातें वॉशरूम जाने के लिए बहुत ही मौत का बुलावा होती है ना ऐसा लगता है मौत आ जाए लेकिन मूत्र ना आए हाँ या नहीं <laughs> तो यहाँ पे बेटा ट्रांजिशनल में उपकला जो है आपकी ट्रांजिशनल मतलब जो ट्रांजिट कर सकती है मतलब जो बदल सकती है अपने आप को अब ये कैसे बदलेगी जरा उस पर चर्चा करते हैं अब बेटा मैं जल्दी में रफ बना रही हूँ डायग्राम ये हो गई आपकी बेटा इसकी सबसे निचला स्तर ठीक है उसके बाद ये हो गया बेटा आपका वो बहुबूजी है कोशिकाओं का स्तर अब मैं रफ बना रही हूं है ना आई होप आप लोग समझ लेंगे मेरी मजबूरी रफ बनाने की अब बार बार थोड़ा ना सुंदर सुंदर चित्र बनाऊंगी समय की बर्बादी है वो तो बहुत ज्यादा सुंदर बनाना सुंदर चीजें बनने में बेटा टाइम लगता है एंड यू नो दैट ठीक है और इसके ऊपर बेटा मैंने बना दिया आपकी ये गोल अब ये तो हो गई बेटा संक्रमित उपकला जब विश्राम अवस्था में है आराम फरमा रही है ठीक है अब जब बेटा ब्लैडर भर गया है हुँ? सर्दी की सुबह चार बजे मैम जय बाबा की अच्छा सरपंच का पड़ोसी क्या सोच के नाम रखते हो यार ये तो था बेटा विश्राम अवस्था में अब बेटा है तनाव अवस्था में मैं डायरेक्ट ब्रैकेट में लिख रही हूं, जब मूत्राशय भरा हुआ है आपके मूत्राशय में बेटा लगभग 800 मिलीलीटर से एक लीटर तक के मूत्र को संग्रहित करने की क्षमता है लेकिन जैसे ही आपके मूत्राशय में 300 400 मिलीलीटर मूत्र भरता है वैसे ही बेटा वो धीरे धीरे फूलने लग जाता है और मैसेज ऊपर आ जाता है कि मस्तिष्क भैया मस्तिष्क भैया खाली कर दो इसे है ना ठीक है और ये बेटा ये जीरो से इतने क्यों बनाने पड़ रहे बताएंगे तरुण ठीक है और फिर हम जाते हैं वॉशरूम अगर आपने मस्तिष्क भैया की नहीं सुनी तो फिर बैठे रहो है ना कॉपी पेस्ट कर दो अच्छा ठीक है ये तो था बेटा विश्राम अवस्था में अब तनाव अवस्था में क्या होगा ये आपकी जो आधारी कला है ये तो एज इट इज रहेगी ठीक है आधारी जो स्तर है ये तो ऐसा ही रहेगा लेकिन बेटा थोड़ा सा हाँ ये भी फैलेगा रुको एक मिनट थोड़ा सा आधारी कला भी फैलेगी थोड़ी सी हम्म इसीलिए बेटा यहाँ पर आधार झिल्ली नहीं होती क्योंकि आधार झिल्ली नहीं फैल सकती तो जिस किसी का डाउट था मैम आधारी जिल्ली क्यों नहीं फैलेगी तो वो भी मैंने गेस क्लियर कर दिया और आपकी ये जो कोशिकाएं हैं ये बेटा चपटी हो जाएंगी कैसी हो जाएंगी ये कोशिकाएं आपकी चपटी हो जाएंगी ठीक है और सबसे ऊपर वाली कोशिकाएं भी आपकी कुछ इस तरीके की हो जाएंगी समझ में आया किस तरीके से ये आपके मूत्राशय का आयतन बढ़ाती हैं हाँ जी समझ में आया ये बेटा विश्राम अवस्था में और ये तनाव अवस्था में जब ये कोशिकाएं चपटी हो जाती हैं तो बेटा ये फैल जाती हैं फैल जाती हैं तो जिस भी अंग में उपस्थित है उसका आयतन बढ़ जाता है ठीक है अब ये कहां पाई जाएंगी बेटा ये उपस्थित होती है आपकी सबसे पहले तो मैंने बता ही दिया मूत्राशय में ठीक है मूत्राशय तक बेटा जो मूत्र को लेकर आते हैं उनको हम कहते हैं मूत्रवाहिनी है ना तो मूत्रवाहिनी में भी बेटा ये पाई जाती है डन है ये हो गया बेटा सॉलिड स्टेट जैसा है केमिस्ट्री में अच्छा ये बेटा क्लियर है संक्रमित उपकला अब हम बात करते हैं बेटा आपके स्तरित उपकला की स्तरित उपकला में एनसीईआरटी ने सिंपली एक डायग्राम बना दिया है हमने बेटा यहाँ आप पर आपको डिटेल बता दिया है कि स्तरित छलकी स्तरित घनाकार स्तरित स्तंभाकार क्या तीनों में अंतर है तीनों में केवल एक अंतर है ऊपरी परत की कोशिकाएं जो होंगी वही नाम हो जाएगा इन दोनों के बारे में एनसीईआरटी में दूर दूर तक जिक्र नहीं है एनसीईआरटी ने केवल स्तरित छलकी की बात की है तो जब हम बेटा स्तरित छलकी की बात करेंगे स्तरित शल्की उपकला मतलब स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथिलियम और ये भी बेटा दो तरीके की किरेटिन युक्त और किरेटिन विहीन कहां पर होती है बेटा ये किरेटिन युक्त और किरेटिन विहीन किरेटिन युक्त मतलब जहां पर स्तरित शल्की के ऊपर एक मृत प्रोटीन किरेटिन की परत पाई जाती है और किरेटिन विहीन मतलब जहां पर ऊपर मृत प्रोटीन के रेटिन की परत नहीं पाई जाती है हाँ मैम आप नई नई चीजों के बारे में बता देती हैं हाँ एनी वन फ्रॉम जयपुर <laughs> चलिए नई नई चीजों के बारे में बताना ही तो बेटा मेरा काम है या नहीं मैं अगर रटा रटाया वही तुम लोगों को नौवीं दसवीं का पढ़ाती रहूंगी तो फिर मजा नहीं आएगा स्क्रीन लेना लो बेटा सुरजीत ठीक है यूट्यूब वाले तो ले सकते हैं आगे बेटा नई नई चीजें बताते ना तो बायो में इंटरेस्ट आता है टॉपिक में इंटरेस्ट आता है ठीक है चलिए तो यहाँ पे बेटा किरेटिन विहीन और किरेटिन युक्त मैंने क्या होता है वो आपको बता दिया है अगर ऊपर किरेटिन मृत प्रोटीन किरेटिन की हाँ चैप्टर रीड करवाऊ सेल बेटा आपको आपके पार्थर पढ़ाएंगे अब बेटा यहाँ पर किरेटिन युक्त कहाँ पर पाई जाती है तो आपको पता ही है किरेटिन युक्त पाई जाएगी आपके बालों में त्वचा में आपके नख में या नाखून में ठीक है पक्षियों के पंखों में पक्षियों के जो जानवर हैं उनके खुर में जानवरों के सींग में यहां पर तो बेटा पाया जाएगा आपका स्तरित शलकी कीरेटिन युक्त उपकला ठीक है जब मैं बात करूंगी बेटा किरेटिन विहीन की तो किरेटिन विहीन कहां पाई जाती है अब ऊपर तो त्वचा है तो त्वचा में गाल पर तो क्या दिख रही है किरेटिन युक्त शलकी गाल के अंदर की तरफ बेटा जहां जीभ आपकी टच हो रही है वहां पर बेटा क्या है ये आपकी मुख गुहा में मुख गुहा का जो आस्तर है पूरा बेटा वो कौन बना रहा है किरेटिन विहीन उपकला ठीक है आपके ग्रसनी भाग में फेरिंग्स जिसको हम बोलते हैं आपके आ, आ, मादा जनन तंत्र में बेटा योनी में ठीक है जो आपका गुदा द्वार होता है बेटा गुदा द्वार के पास या गुदा नाल में यहाँ पर बेटा पाई जाती है आपकी ये किरेटिन विहीन स्तरित शल की उपकला समझ में आया यस yes? नहीं मैम डे टू डे लाइफ में जो चल रहा है वो हाँ तो बताना पड़ेगा ना तन में डे टू डे लाइफ में बताऊंगी तो चीजें याद रहेंगी है एज अच्छा तन में आपने इंग्लिश मीडियम वाली क्लास अटेंड की है वाई ग्रीन कलर इज प्रेजेंट इन कार्स हाँ उनकी नेम प्लेट ग्रीन की होती है मुझे अच्छा लगता है बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाई मतलब ये नहीं होता है कि किताबी ज्ञान होना चाहिए बच्चे को दुनियादारी का ज्ञान भी होना चाहिए है ना उसको पता लगना चाहिए मेरे साइड में ये गाड़ी गई है मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट सफेद है इसका हरा क्यों है पता होना चाहिए ये चीज़ें है ना मैं बताती रहती हूँ मैं इससे थोड़ा ना क्या क्लास बोरिंग भी नहीं रहती है बच्चों को सामान्य ज्ञान भी मिलता रहता है जो बहुत ज़रूरी है ठीक है डॉक्टर मतलब ये नहीं कि बस पेशेंट को खोल के डाल दो डॉक्टर का मतलब बहुत कुछ होता है बेटा डॉक्टर बुद्धिजीवियों में आता है अब बुद्धिजीवी को करंट अफेयर्स का भी ज्ञान होना चाहिए बुद्धिजीवियों को अपने आसपास जो चीजें चल रही हैं वो भी पता होना चाहिए ठीक है एंड यू लाइक करंट अफेयर्स नाइस चलिए आगे बढ़े बेटा यहाँ पे खत्म होता है आपका हाँ तरुण हो गया तो मेरे हस्बैंड भी यही मानते हैं कि मैं बुद्धिजीवी हूँ और मुझे भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए <laughs> लेकिन बहुत सारी चीजें मैं न्यूज से भी सुनती हूँ मैं पढ़ के भी जानती हूँ ऐसा नहीं है तरुण है ना <laughs> <laughs> चाटा दूंगी मैं भी चलिए हमने ले लिए आपके अच्छा काफी बच्चे होते हैं इंग्लिश वाली क्लास भी लेकर के आए चलो अच्छी चीज है कल को डॉक्टर बनने वाले तो अंग्रेजी भी आनी चाहिए भैया है ना चलिए समझ नहीं आ रही है मुझे जबकि मैं चैट ऑफ करके पढ़ती हूं तो बेटा स्माइली क्या दिक्कत है कहाँ दिक्कत है समझो है ना बाकी बच्चों को तो आ रहा है समझ में अब बेटा हमारा बच्चा है विशिष्ट उपकला उतक क्या बच्चा है हमारा विशिष्ट उपकला उतक ऑल दो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कल लेकिन अभी मैं जल्दी से नाम बता दूं आपको पहले भी हम बात कर चुके हैं इस पर विशिष्ट उपका लघु जिसको हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू क्या कहेंगे बेटा इसको हम एपिथेलियल टिश्यू और हमने बताया था ये तीन तरीके की होती है होती तो चार है पर हमने तीन ही पढ़नी है एन में तो एक ही दी हुई है ठीक है, पहली है बेटा आपकी तंत्रिका संवेदी जिसको हम बोलेंगे न्यूरोसेंसरी दूसरी है बेटा आपकी आ, ये, क्या थी वर्णित तो उपकला इसको हम कहेंगे पिगमेंटेड एपिथेलियम। और तीसरी बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी ग्रंथिल उपकला इस ग्रंथिल से बेटा आपके नीट में क्वेश्चन आया हुआ है तो ग्रंथिल उपकला इंपॉर्टेंट है, है ना इसको हम कहेंगे ग्लैंडुलर एपिथीलियम दिस इज इम्पॉर्टेंट नीट में आ चुका है इसलिए आई विल मेक स्टार हो भैया यहाँ पे मैं स्टार बना देती हूँ क्योंकि ये बेटा आपके नीट में आया हुआ है नाइस nice. अच्छी चीज है तरुण चलिए आगे बढ़ें मैम आपका नाम क्या है भूल गई कोई बात नहीं बेटा भूल जाओ नाम में कुछ नहीं रखा सही बता रही हूँ है नाम में कुछ नहीं रखा अच्छा रूबी बता रही है प्रियंका मैम की क्लास चली ओ भाई प्रियंका है यार चलो हाँ <laughs> नाम नहीं पता है ठीक है लेकिन गलत नाम नहीं बोलना है नाम पता होगा तो सही बताना है ठीक है चलिए <laughs> आज अच्छा <laughs> थैंक यू अजीत चलो पार्थ सर कब पढ़ाएंगे सलोनी हाँ थैंक यू सोनम वर्मा पार्थ सर पढ़ा देंगे यार पार्थ सर के तो दर्शन होते ही रहते हैं हिंदी मीडियम में हाँ डेली वो साढ़े बारह तो ही जाते हैं वहां पे आप उनकी क्लास अटेंड कर लिया करो हाँ कुछ नया ही सीखोगे अभी आप लोगों को तो जो समझा दो वही नई चीज़ है है ना तो विशिष्ट उपकला उतक बेटा हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ये आपकी तंत्रिका संवेदी ये आपकी वर्णित उपकला ये बेटा रेटिना में पाई जाती है आपके नेत्र में और इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये आपकी एनसीआर में नहीं है लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी क्योंकि इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भाई डॉक्टर बनने वाले हो भाई अपने शरीर के बारे में, तो में ग्रंथिल उपकला जो कि आपके एन सी आर टी में भी है और यहाँ से बेटा आपके नीट में भी प्रश्न पूछे गए हैं है ना चलिए तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिका संधि भी पढ़ेंगे जो कोशिका संधि है बेटा नीट के आप पेपर उठा के देख लो हर दूसरे तीसरे साल में बेटा आपको कोशिका संधि पर क्वेश्चन मिलेगा सेल जंक्शन पे क्वेश्चन मिलेगा ठीक है तो यहां से इस अध्याय से बेटा अगर मैं बात करूं जैसा मैंने बताया था जंतु उतक वाले भाग से केवल एक ही प्रश्न आता है और वो या तो उपकला उतक से आ जाता है ऑल दो कोशिका संधि भी उपकला उतक में ही आती है या बेटा कोशिका संधि से आता है बहुत कम ऐसा हुआ है कि संयोजी उतक से प्रश्न आता है पर आता तो है पढ़ना तो पड़ेगा पेशी और तंत्रिका से भी आता है लेकिन पेशी उतक से बेटा जो सवाल आता है वो आपके गमन एवं संचलन से संबंधित है और आपके तंत्रिका उतक से जो सवाल आता है वो आपके तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय में हम डिटेल में पढ़ेंगे ओके शब्बू सबरी ओके अभी से कहाँ जा रहे हो <laughs> बेटा छः तेईस हो गया है मैं नया टॉपिक अभी शुरू कर नहीं सकती चलो क्विजी दे दो तब तक तो तुम लोग पहला क्वेश्चन देख लो जरा एक मिनट हम्म इसका उत्तर देना जरा सरल चल की उपकला का कार्य है सरल शल की उपकला का क्या कार्य होता है हर स्ट्रीम का बच्चा सोचता है कि दूसरे स्ट्रीम का कितना इजी था ऐसा कुछ नहीं होता बेटा साइंस को तो कोई हल्के में ले ही नहीं सकता ए बी मैम आपकी लैंग्वेज से पता लगता है कि आप राजस्थान या हरियाणा से हैं नितेश अगर लैंग्वेज पे आ जाओगे बेटा तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ थोड़ा थोड़ा पंजाबी भी बोल सकती हूँ मैं यूपी की तो हुई तो वो भी बोल सकती हूँ पर ये है कि पिछले सात आठ साल यही जयपुर में निकले और अब हरियाणा में निकल रहे हैं तो जैसा संगत वैसा रंगत मैं इसमें ज़्यादा भरोसा करती हूँ ए और बी बेटा ऑप्शन में आ रहे हैं तो सरल शलकी की बात हो रही है और इसका बेटा जो काम होता है वो होता है विस्तरण या ंदन ठीक है विस्तरन बेटा विस्तरन के लिए या तो आपकी कूपिकाओं में पाए जा रहे थे हाँ पक्का 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 चंदन प्रियंका प्रॉमिस कल से ब्लैक बोर्ड आएगा ठीक है निस्संदन के लिए बेटा याद करिए आपके बोमेन संपुट में है ना तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी अगला प्रश्न देखिएगा जरा निम्न में से किस उपकला में आधार झिल्ली नहीं ना पाई जाती है अब बोलोगे मैडम आप बिहार से लग रहे हो <laughs> किसमें नहीं न पाई जाती है <laughs> आधार झिल्ली नेपाली हा? या नेपाली तो ना आती <laughs> अब जय सीखनी पड़ेगी भोजपुरी हा? <laughs> हाँ चलिए हेलो पीयूष सेकंड का भी बी गलत हो गया मैडम जी मेरा गलत हो गया क्यों गलत हुआ अजीत ध्यान नहीं दिया आप YouTube के कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ बेटा जो काम के लगते हैं वो पढ़ती हूँ है ना अब आपके बाल अच्छे लग रहे हैं कल बाल खोल के आना नहीं नहीं बंद रख के आना ये तो कौन ही पड़ेगा है बी सबका आंसर आ गया यस yes. संक्रमित उपकला यानी कि ट्रांजिशनल एपिथिलियम इकलौता ऐसा एपिथिलियम है, है जिसमें आधारित झिल्ली नहीं पाई जाती ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट आज की क्लास कल हम वापस मिलेंगे हाँ हम भी निकिता हम भी कल हम वापस मिलेंगे बेटा साढ़े पाँच बजे किसके साथ विशिष्ट उपकलाऊतक और कोशिका संधि के साथ